सभी भैयाओं को नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आज के एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ कालूराम और आज हम पढ़ने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक दूसरी कविता जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह रचना हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है निशा निमंत्रण, जिसमें से लिया गया एक गीत है, यानी यह एक गीत है। कवि इसमें यह कहना चाहता है कि जब व्यक्ति घर से बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद वह पूरे दिन भर काम करता है, काम करने के बाद जब वह घर लौटता है और जब वह घर लौटते समय यह सोचता है कि मेरी मंजिल अब दूर नहीं है और मैं घर के करीब पहुंचने वाला हूं, तब वह कितना जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करता है। यह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि घर पे उसका कोई ना कोई इंतज़ार करने वाला है, उसे कोई ना कोई मिलने वाला है। लेकिन जब उसे यह लगता है कि मेरा तो कोई मिलने वाला नहीं है, मुझे ना कोई मिलने वाला है ना कोई मेरा इंतज़ार करने वाला है, तब वह शिथिल हो जाता है और यह सोचता है कि मैं घर क्यों जाऊँ। लेकिन जब उसे लगता है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, तब वह अपनी मंजिल पर जाने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। कवि इसमें कहता है कि हो न जाए रात, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते पे रात न हो जाए, पथ का मतलब होता है राह या रास्ता, कहीं रास्ते में रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, अभी मेरी मंजिल भी दूर नहीं है, अर्थात मैं जिस लक्ष्य तक जाना चाहता हूँ वो लक्ष्य मेरे करीब है, मेरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, यही सोच करके कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए और मेरी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, यह सोच करके दिन का पंथी, पंथी का मतलब होता है राही, पंथी का अर्थ है राही, तो यह सोचता हुआ यह राही जो है यह जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करता है। दिन का पंथी से तात्पर्य है सूर्य, वैसे दिन का पंथी का अर्थ होता है सूर्य, परंतु यहाँ अर्थ किसका लिया गया है, राही से लिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके शिल्प सौंदर्य की। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इसमें देखेंगे कि जल्दी जल्दी शब्द जो है ये दो बार आया, यानी शब्द जो है वो पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। यहाँ नीचे भी आप देखेंगे तो ये भी जल्दी जल्दी, यानी दो बार जो है वो शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थात इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बात करते हैं भाषा की, तो हरिवंश राय बच्चन ने इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें देखेंगे जो 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 तुकबंदी की गई है, यह तुकबंदी भी एक प्रकार की उत्कृष्ट कोटि की है, तो बड़ी अच्छी तुकबंदी की गई है। आगे बढ़ते हैं, कवि आगे कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक पक्षी का उदाहरण देकर के उन्होंने कहा है कि जब पक्षी घर से बाहर जाता है, चुग्गा चुगने के लिए जब बाहर जाता है, तो पूरे दिन पर वह चुग्गा चुगता है और शाम के समय जब वह अपने घोंसलों की ओर लौट रहा होता है, तब वह लौटते समय यह सोचता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा से तात्पर्य, यहाँ प्रत्याशा दो शब्द से मिलकर बनता है, एक तो है प्रति और एक है आशा, ठीक है। तो पक्षी यह सोचता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे यानी उसके जो बच्चे घोंसलों में बैठे हुए हैं वो प्रत्याशा में होंगे, यानी वो उनकी आशा में होंगे कि मेरे परिजन घर से बाहर गए हैं, वो मेरे लिए घर पर आ रहे होंगे, मेरे लिए चुग्गा लेकर आ रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से यानी घोंसलों से, घोंसलों में बैठे बैठे वे सोच रहे होंगे और घोंसलों में बैठे बैठे बाहर झांक रहे होंगे, ताक रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे परिवार के लोग जो बाहर गए हैं, अर्थात मेरे माता पिता बाहर गए हैं, वो घर पर आएंगे, मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, जब यह बात उस पक्षी के ध्यान में आती है कि मेरे घोंसलों में मेरे बच्चे जो हैं वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, जब उसके यह मन में यह बात आती है, यह बात जब उसके ध्यान में आती है, तो उसके परों में, परों यानी पंखों में, परों से तात्पर्य है पंख,
उसके पंखों में एक प्रकार की चंचलता आ जाती है, गति आ जाती है। क्या आ जाती है? गति आ जाती है। और उसके पर जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करते हैं, वो जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि जल्दी जल्दी वह घर पहुंच जाए और अपने परिजनों से मिल सके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पक्षी के माध्यम से कवि ने मनुष्यों के बारे में कहा गया है, विशेष तौर पर प्राणी वर्ग में मानव के बारे में कहा गया है कि जब व्यक्ति बाहर जाता है तो वह भी यही सोचता है कि घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वह घर जाने के लिए आतुर होता है, घर जाने के लिए व्याकुल होता है और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, क्योंकि उसे पता है कि घर में उसका कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है। लेकिन साथ में कवि ये भी कहता है कि जब इंतजार कर रहा होता है तब वह जल्दी पहुंचने का प्रयत्न करता है, परंतु अगर घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा हो, किसी प्रकार के उससे कोई मिलने वाला नहीं हो, तब वह कभी ये सोचता है कि मेरा तो घर में कोई मिलने वाला नहीं है, मैं अपने घर पर इतना जल्दी क्यों जाऊं। तो कवि आगे कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह अंतिम पद उस समय लिखा गया है, यदि वैसे तो यह कविता उस समय लिखी गई थी जब हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी जिसका नाम श्यामा था उसके उसका जब निधन हो जाता है तब कवि बड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। तो उसकी मृत्यु के बाद वो बड़े दुखी होते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो उस समय यह कविता लिखी गई थी। तो उसमें कवि ये कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चिंचल। कवि घर से बाहर हैं, लेकिन जब घर जा रहा होता है तो उसके मन में ये विचार आता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे घर में तो मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल है ही नहीं, मेरा तो कोई इंतजार भी नहीं कर रहा है। तो जब मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं, मेरा कोई इंतजार भी नहीं कर रहा है, तो मैं किसके लिए चंचल हूँ, कितने लिए, किसके लिए इतनी गति से घर जाने का प्रयत्न करूं। यानी इसमें कवि जो है वो निराशा का भाव बता रहे हैं, उदासी का भाव बता रहे हैं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जब यह प्रश्न उसके मन में आता है तो उसके पैरों को शिथिल कर देता है, यानी उसकी गति को कम कर देता है, वह शिथिल हो जाता है, एक प्रकार से उदास हो जाता है, और वह ये सोचता है कि मैं क्यों घर जाऊं, मैं किसके लिए घर जाऊं, भरता और मैं विवलता है। तो यही बात जो है वो उसके हृदय में एक प्रकार की उदासी भर लेता है, विफलता यानी व्याकुलता भर लेता है, एक प्रकार की उसे दुख जो है वो वहां उसे दिखता है कि मेरा तो घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा है, फिर मैं घर पे इतना जल्दी क्यों जाऊं, क्योंकि मेरा तो कोई ना कोई इंतजार भी करने वाला नहीं है, तो मैं इतना आतुर क्यों हूं, अपने घर जाने के लिए इतना आतुर क्यों हूं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ये कहता है कि मेरा घर में कोई मिलने वाला नहीं है, कोई इंतजार नहीं कर रहा है, तो मैं घर पे इतना जल्दी क्यों जाऊं। जब यह विचार उसके मन में आता है तो वह अपने आप को शिथिल कर देता है। इसलिए कवि इस कविता में ये कहना चाहता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसा होना चाहिए, कोई न कोई ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करने के लिए आगे से आगे बढ़ता रहे, परंतु जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई लक्ष्य बिंदु नहीं है, तब वह यह सोचता है कि मेरा तो कोई भी इंतजार करने वाला नहीं है। जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं, उसका जीवन जो है वो स्थिर हो जाता है, उसका जीवन एक प्रकार से शून्य हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि जिस किसी व्यक्ति के जीवन में अगर लक्ष्य है तो वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। हमारे भी जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हम और चंचल होंगे और आगे व्याकुल होंगे और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और जल्दी जल्दी उस मंजिल को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है तब उस व्यक्ति का जीवन शिथिल हो जाता है, पूरी तरह से एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि स्थिर हो जाता है, शून्य हो जाता है, तब वह किसी प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करता है। अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो की जिसमें अपन ने पढ़ा था आत्म परिचय। उस आत्म परिचय कविता का शिल्प सौंदर्य की अगर बात करें तो आप इसमें देखेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें रुबाइया छंद है, तो रुबाइया छंद किस प्रकार से हैं, तो आप इसमें देखोगे कि ये जो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति
और चौथी पंक्ति, इसका जो तुकबंदी है वो एक प्रकार की समान है, यानी इनका जो अंतिम शब्द है उसकी ध्वनि समान निकलती है, जबकि तीसरी जो पंक्ति होती है उसकी तुकबंदी अलग प्रकार की होती है, उसमें ध्वनि अलग प्रकार की निकलती है। तो जब इस प्रकार से पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति की तुकबंदी समान हो और तीसरी पंक्ति की तुकबंदी अलग हो और कुल मिलाकर के चार पंक्तियां हो, तो वहां पर रुबाइया छंद होता है। कौन सा छंद होता है? रुबाइया छंद होगा। तो यह रुबाइया छंद इस कविता में प्रयुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर प्रयुक्त अलंकारों की। तो यहाँ पर सांसों के दो तार, तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां पर एक बात तो सही कही जाती है और दूसरी बात उसके विरोध में कही जाए, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अब आप इसमें देखोगे तो पहले तो कवि कहता है कि मैं जग जीवन को भार के लिए फिरता हूँ, तो पहले तो कहता है कि संसार रूपी जीवन भार है, लेकिन बाद में कहता है कि मैं प्रेम लिए फिरता हूँ। तो अगर जीवन भार है तो प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम है तो उसे भार नहीं कहा जा सकता। तो इसमें रूपक, ये विरोधाभास अलंकार प्रयोग, विरोधाभास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अब इसमें बात करेंगे आगे, तो आगे जो है वो इसमें देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो इस कविता में कहा गया है कि स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात स्नेह सुरा में स और स वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है, क और क वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास है, यहाँ पर भी क क वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर भी क क वर्ण की आवृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार है। अगर हम बात करें तो बाकी लगभग सभी पदों में रुबाइया पद का ही प्रयोग, रुबाइया छंद का ही प्रयोग किया गया है, और इसके अंदर विरोधाभास अलंकार है वो लगभग सभी जगह अपने को मिलता है। फिर अगर अपन बात करें तो इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है, और यह रुबाइया छंद ही है और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, तो उर्दू तत्सम शब्द भी इसमें प्रयोग किया गया है, तो यह खड़ी बोली उर्दू मिश्रित भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। शिल्प सौंदर्य की अगर हम बात आगे बात करें तो इस कविता में यह जो पद है इसमें यह कहा गया है कि मैं और जग और, यानी यहाँ और शब्द जो है वो तीन बार जो है वो प्रयोग में किया गया है, परंतु तीनों ही बार इनका अर्थ अलग है। एक बार तो यह कहता है कि मैं और यानी अलग हूं, और यहाँ पर भी इसका अर्थ होता है अलग, और लेकिन ये जो और है यह जो है यह संयोजक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि शब्द अलग अलग हैं परंतु अर्थ भी इनके अलग अलग हैं। तो जब शब्द रिपीट हो दो बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पर यह यमक अलंकार होता है। इसके आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी इसमें कवि ने कहा है कि मैं निज रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, अगर शीतल वाणी है तो उसमें आग कैसे हो सकती है, और अगर रोदन है यानी रोना है तो उसमें राग कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर भी कवि ने विरोधाभास अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। फिर कवि कहता है जीवन को खंडहर बताता है, तो जीवन को खंडहर बताने के कारण यहाँ पर यह रूपक अलंकार है, तो यह खंडहर जीवन को खंडहर बताता है यानी जीवन को खंडहर का रूप देता है, इसलिए रूपक अलंकार है, और ऊपर जो है उसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर अगर आगे बात करें तो कवि ने इसमें भी देखेंगे तो सब में एक प्रकार से रुबैया छंद का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसमें रुबैया छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।